हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल खेल स्टेशन। तो दोस्तों, आज का हमारा पे जो मैच होने वाला है वो यहाँ पर होगा हमारा इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच। सो दोनों टीम यहाँ पे आपको काफ़ी ज़बरदस्त और एक अच्छी टीम है, मजबूत टीम आप बोल सकते हो। अगर बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की, तो सभी को पता है कितने बार वर्ल्ड कप चैंपियन रह चुके हैं, वो खुद भूल गए होंगे। और इंग्लैंड अभी यहाँ पर को डिफेंडिंग वहाँ पे T20 वर्ल्ड कप चैंपियन यहाँ पे है, तो अब देखना वो इस खिताब को दोबारा से कंटिन्यू ले पाती या नहीं। बाकी उम्मीद करेंगे लेकिन इंडिया जाए, लेकिन दोनों टीम से ना बहुत बढ़िया काम करके आती हैं और ऑस्ट्रेलिया आपको पता ही है हर एक फॉर्मेट है। सो दोस्तों, जो लोग अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो यहाँ पे जाके जुड़ जाना, लिंक आपको मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ से पिन कोड में। तो यहाँ पर गाइस हमारे जो फाइनल टीम्स है, अपडेट, टीम न्यूज़ और अदर मैचेस, T20 के ब्लास्ट के मैचेस भी अभी आपको देखने को मिल जाते हैं, तो सब चीज़ वहाँ पर आपको मिल जाएगी। सो टेलीग्राम पर जुड़ जाना। बात करके एक छोटा सा काम और, एक सेकंड आपको लगना है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने में। चलते वेन्यू की तरफ में, तो कैनिंगटन ओवल बाय यहाँ पे जो ब्रिजटाउन बारबाडोस पर ये मैच होने वाला है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 155, 164, 109, तो यहाँ पर ये तीनों मैच अभी तक ही वर्ल्ड कप यहाँ पे खेले गए T20 वर्ल्ड कप के। लेकिन अगर आप स्कोरिंग देखोगे, कोई ज़्यादा हाई स्कोरिंग देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पर जो मेरा आज का एक एवरेज यहाँ पर मैं बोलूँ तो 150 to 170, ये यहाँ पर कोई स्कोरिंग नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा तो यहाँ पे नहीं जाएगी। इसके बाद में जो लास्ट के तीन मैच हुए, तो वहाँ पर आप देख सको पेसर्स को वहाँ पे मिले 30 विकेट। इसका मतलब क्या है, 10 विकेट हर मैच में निकाल के जा रहे हैं पेसर्स, और स्पिनर्स यहाँ पे 12 विकेट, मतलब 4 विकेट इनको भी यहाँ पर को मिल जाते हैं। तो अगर आप देखोगे रेशियो स्पिनर्स का थोड़ा सा कम है, इस यहाँ पे पेसर्स को आपको बैक करके जाना है। एंड इवन अगर आप फास्ट इनिंग की बॉलिंग की बात करिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 10 विकेट, यहाँ पे 9 विकेट, यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है पेसर्स के द्वारा। पेसर्स को आप लेके जाओ, सीवीसी करो। 28 मैच टोटल खेले गए, जहाँ पर कोई डोमेस्टिक के मैचेस भी कुछ है। और आप देखो 28 मैच फर्स्ट बैटिंग में 17 मैचेस में यहाँ पे विन हुआ है। चेजिंग की बात करूँ तो 9 मैच है, 2 मैच का रिजल्ट आया नहीं था, बारिश के भी यहाँ पे थोड़े आसार बन जाते हैं। और स्कोरिंग पैटर्न देखते हैं, 150 के नीचे 9 टाइम्स है, फिर यहाँ पे अक्सर 150, 70, 8 टाइम्स। लेकिन अगर आप जाते हो 190 के ऊपर, तो वहाँ पर जो स्कोरिंग है वो कम आपको देखने को मिलेगी। चलते यहाँ से आगे तरफ में, तो यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा मैच हुआ नामीबिया वर्सेस स्कॉटलैंड, काफ़ी अच्छा मैच हुआ। जो छोटी टीम है ना, वो भी इस बार जो अपना गेम है काफ़ी ब्रिलियंट यहाँ पे आपको दिखाएगी। सो 6 विकेट यहाँ पे मिले थे पेसर्स को पहले इनिंग में, और दूसरी इनिंग में बस 2 विकेट यहाँ पे मिले थे, क्योंकि दूसरी इनिंग में थोड़ा चेस है वो आसान यहाँ पे बन जाता है। इसके बाद करूँगा जो 5 जून वाला मैच हुआ था, तो यहाँ पर को भी 7, 4, 11 विकेट आपको देखने को मिलते हैं हमारे पेसर्स के। इसके बाद अगेन आप देखोगे जो नामीबिया वाला मैच हुआ था, वहाँ पे भी हमारे 11 विकेट यहाँ पे मिल रहे हैं हमारे पेसर्स को। अब बात करता हूँ यहाँ से हमारे जो बॉलर्स टाइप हैं, तो आपको कौन से बॉलर्स यहाँ पे बैक करके जाने हैं। जो लेफ्ट आर्म बॉलर है 12 विकेट यहाँ पे आपके निकाल के गए हैं। उसके बाद जो राइट आर्म मीडियम फास्ट है 9 विकेट यहाँ पे निकाल के गए हैं। इसके बाद राइट आर्म मीडियम 9 विकेट। तो आप देखोगे लेफ्ट आर्म यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, जनरली ये होता नहीं है। आपने कभी देखा होगा कोई हमारे और वेन्यू होते हैं वहाँ पे हमारे राइट आर्म मीडियम फास्ट या फिर राइट आर्म फास्ट इस तरीके से नज़र आते हैं, लेकिन लेफ्ट आर्म बहुत कम। लेकिन यहाँ पे जो मेजोरिटी जाती है वो लेफ्ट आर्म के यहाँ पे आपको नज़र आती है। स्पिन की अगर बात करूँ, यहाँ पे लेग ब्रेक बॉलर्स को आपको बैक करना है, एक स्पिन डिपार्टमेंट से अभी आपको बता दूंगा कौन सा हमारा स्पिनर है कौन सा नहीं। चलते यहाँ से फॉर्म देखते हैं, तो फॉर्म दोनों टीम्स का यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे चल रहा है आपको दिखाऊँ तो। अगर यहाँ पे आप देखोगे हेड टू हेड, दोनों ने यहाँ पे 21 मैच करे और एक ने यहाँ पे मैन करे 10 मैच और एक ने 11 मैच, तो कहीं ना कहीं टक्कर तो काफ़ी बराबर वाली रही है। ऐसा भी नहीं कि एक दो, अगर ये 22 होता तो हो सकता है दोनों तरफ 11-11 होता, लेकिन वो नंबर ही ऐसा था, एक तो खैर ज़्यादा जाना ही था। सो काफ़ी अच्छी यहाँ पे टक्कर देखने को मिल जाती है। चलते यहाँ से हमारी प्लेइंग 11, डेविड वॉर्नर, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोनिस, टिम डेविड, इसके बाद मैथ्यू वेड आपको नजर आते हैं, मिचेल स्टार्क लेफ्ट आर्म, नाथन एलिस, एडम जंपा लेग ब्रेक बॉलर आपको दिखाई देंगे, एंड जॉस हेजरवुड। तो दोस्तों यहाँ से हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्या है, देखो स्टार तो यार रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक जो ट्रंप है वो यहाँ पे हमारा नाथन एलिस भी यहाँ पे निकल के आएगा, और एडम जंपा तो मस्ट पिक आपको लेके जाना ही है। बैटिंग सेक्शन से कोई ऐसा ट्रंप है नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे रन अगर बैट्समैन कोई बना पाएगा ना, तो वो होगी एक फील्डर्स की गल्ती, कहीं पर कैच ड्रॉप कर देना, कहीं पर स्टंपिंग छोड़ देना। वो आज आपने देखा होगा सुबह वाले यहाँ पे मैच हुए, गुरबाज वाले मैच हुए, ठीक है। तो वहाँ पे हम देखा काफ़ी चीज़ वहाँ पे मिस हुई। इसके बाद आगे चलते हैं, तो ऐसे डेविड वॉर्नर अगर आप फॉर्म देखते हो, लास्ट मैच 56 करके आए, और मेरे को लगता है इस वेन्यू पे भी यहाँ पे एक 30+ तो का नॉक तो इनका आ ही जाएगा। अगर आप बात करूँ यहाँ पे 35 पे, यहाँ पे एक इनका वेन्यू का एवरेज है, 21 का हेड टू हेड का एवरेज। चलते ट्रेविस हेड की तरफ में, तो ट्रेविस हेड को अगर आप चाहो तो एक नॉर्मल पिक लेके जाना, सीवीसी मत करना अभी फिलहाल,
ये बंदा अभी नहीं चलेगा, ये चलेगा जब नॉकआउट वाली सिचुएशन होगी, वहाँ पर को जब टीम लड़खड़ाएगी वहाँ पर को परफॉर्म करेगा। लेकिन अभी आप T20 का फॉर्म इसका देख के आ चुके IPL में, वहाँ की पिचेस अलग थी, यहाँ की पिचेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसलिए वो बैटिंग उम्मीद मत करना ट्रेविस हेड से, क्योंकि वहाँ पर क्या था 200 एक कॉमन स्कोर बन चुका था, लेकिन यहाँ पर 180 है हाई स्कोर आपको नज़र आ रहा है। आपने देखा होगा बहुत मैचेस यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी अपनी जो एक मैच खेल के ओमान के आगे, वहाँ पर बहुत अच्छा बना सकते हैं, लेकिन वहाँ भी स्कोर नहीं कर पाए हैं। ये आपको सीधा पता चल रहा है कि कितने यहाँ पे लो स्कोरिंग पिचेस हैं। इसके बाद चलते हैं मिचेल मार्श की तरफ में। मिचेल मार्श को मैं बैक करके जाऊँगा, लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखना है, ये बंदा बॉलिंग यहाँ पे नहीं करा रहा अभी फिलहाल, ठीक है। सो ओनली आप इसको नॉर्म पे लेके जाओ, सीवीसी मत करो। मैक्सवेल बहुत बड़ा धोखेबाज आदमी, जो लास्ट मैच ही डक पे चला गया था, उससे पहले डक पे। बाकी अब मेरे को लग रहा है ना, ये बस अब बड़ा नाम वाला प्लेयर रह गया, ये कभी आपके 10 मैचेस एक मैच परफॉर्म करेगा और वहाँ पर कोई ऐसा परफॉर्म करेगा जो अफगानिस्तान वाली पारी खेली थी। मतलब प्लेयर में कोई कमी नहीं है, बस ये है कि उसका थोड़ा फॉर्म खराब चल रहा है। वो हम यहाँ पे देख के आ रहे हैं IPL से। IPL में आपने देखा वहाँ पे जो RCB वहाँ पे खेला था, तो जब लास्ट मैच वहाँ पर उनका था एलिमिनेटर वाला, तो वहाँ पर को अगर मैक्सवेल चल जाता तो हो सकता था आगे चले जाती उनकी गाड़ी। बट मैक्सवेल लास्ट मैच हमने देखा 0 डक पर यहाँ पर आउट हो गया था, लेकिन ये स्पॉन्सर बिल्कुल यहाँ पर नहीं खेल रहा है। सो देखने को मिलेगा कभी इसका भी एक आध नॉक ऐसा, जहाँ पर टॉप ऑर्डर हमारा पूरा कोलैप्स हो रहा है। मार्श वहाँ पर जग गया, डेविड ऑनर अंडर 10 आउट हो गया, ट्रेविस अंडर 10 आउट हो गया, वहाँ पर मैक्सवेल को बैक करना, मतलब एक कॉम्बिनेशन ऐसा बना के जाना है आपको। चलते हैं यहाँ से मार्क एस्टोनिस, ये इस तरीके की पारी ना, इसलिए हो सकता है ड्रीम पारी रही हो, क्योंकि ये कभी इतनी बढ़िया पारी यहाँ पे नहीं देखे जाएगा अपर T20 इंटरेस्ट के कैरियर में। हो सकता है BPL में फिर भी एक बार के लिए दे दे, लेकिन गाइस यहाँ पे बिल्कुल ही एक इम्पॉसिबल यहाँ पे आपको लगेगी। और एक मैच वहाँ पे कर दिया, तो अगले मैच अगर बात करूँ ज़्यादा मैक्सिमम एक विकेट और बैटिंग से बात करूँ 30 रन, इससे ज़्यादा इसको आज यहाँ पे नहीं होने वाले CVC के लिए। इसमें भी एक अच्छा पिक है, क्योंकि एक विकेट और आप देखो 50-60 पॉइंट यहाँ पे मिल जा रहे हैं। टीम डेविड की बात करेंगे तो बैटिंग काफ़ी ज़्यादा नीचे आया था, हम इसको ड्रॉप करके जाएंगे। मैथ्यू वेड इनको फिलहाल छोड़ते हैं, अगर यहाँ पे इसको ओपन या फिर टॉप ऑर्डर में कराया जाता ना तो मस्ट पिक बनता, लेकिन बैटिंग काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा नीचे आ जा रहा है। मिच स्टार की बात करेंगे, कॉमन यहाँ पे आप देखोगे एक ऐसा CVC यहाँ पे पिक आपको नजर आएगा, क्योंकि बॉलिंग उसके आप देखोगे काफ़ी अच्छा यहाँ पे दमखम है, ठीक है। तो वहाँ पे 2 विकेट फिर 2 फिर 3 इस तरीके से। और मैं आपको लूँगा बॉलर में से आज आप दोनों टीम में से CVC घुमाओ। ग्रैंडी की बात करूँ तो ग्रैंडी में वही कहानी यहाँ पे रिपीट होगी, नाथन एलिस आपको डेथ में बॉलिंग कराते हुए नजर आ रहा है, इसलिए ये भी हमारे लिए मस्ट पिक बन जाता है, ठीक है। एडम जंपा, अगर यहाँ पे कोई स्पिनर में से विकेट निकाल सकता तो वहाँ पर ओनली एडम जंपा है, क्योंकि अगर आप देखो ना टीम बस अपने एक सिंगल स्पिनर के साथ जा रही है, बाकी अगर आप देखोगे वहाँ पे इनके पार्ट टाइमर है, लाइक स्टोरी अगर बात करूँ मैक्सवेल की, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखोगे ऐसे पार्ट टाइमर, लेकिन एक जो मेन स्पिनर वो एडम जंपा है, वो यहाँ पे विकेट निकालेगा। लेकिन उधर की साइड से भी एक ऐसा बॉलर है जो आज के मुझे आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो इंग्लैंड की तरफ से, तो हेजलवुड को हम यहाँ पे ड्रॉप करके जाएंगे। फॉर्म इनका कुछ खास यहाँ पे रहा नहीं है, लास्ट के 2 मैच आप देखोगे बैक टू बैक यहाँ पे विकेटलेस चल रहे हैं। चलते हैं यहाँ से मैचअप देखेंगे, तो मैचअप में डेविड वॉर्नर की अगर बात करूँ, जोफ्रा आर्चर ने 2 बार आउट करा है, मार्कुट एक बार, तो जोफ्रा आर्चर से थोड़ा सा इनको दिक्कत है, बाकी मार्कुट से तो कुछ खास है नहीं। मिचेल मार्श की बात करूँ, आदिल लासित 16 रन और 17 16 बॉल 17 रन 1 विकेट है। इसके बाद में एक ही नाम आपको कॉमन दिखाई देगा, आदिल लासित बहुत बार। ट्रेविस हेड की बात हूँ, मोइन अली पावरफुल तो आएगा नहीं बॉलिंग कराने, तो सिंपल सा चीज़ है, ट्रेविस हेड बच जाएगा, सर्वाइव कर लेगा। मैक्सवेल की बात करें तो मैक्सवेल को यहाँ पे आउट करा आदिल लासित ने, लेकिन रन्स खा के गए। क्रिस जॉर्डन ने 3 बार आउट करा, मोइन अली ने करा काफ़ी सस्ते में इनको आउट, और हो सकता है मोइन अली आज भी दोबारा से इनको आउट कर दे जल्दी। आगे चलेंगे मैथ्यू वुड का अगर आप बैटल देखते हो, तो लियाम ने इनको आउट करा एक बार और एक बार मार्कवुड ने, टीम डेविड को आउट करा यहाँ पे मार्कवुड ने। सो मार्कवुड एंड यहाँ पे आदिल लासित, ये बन जाते हैं हमारे काफ़ी अच्छे पिक। इसके बाद आगे चलते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 आप देखोगे, जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, विल जैक्स, जॉनी वेस्टो, हैरी ब्रुक्स, मोइन अली, इसके बाद में लियाम आपको नजर आते हैं, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा, आदिल लासित एंड मार्कवुड, ये रहेगी हमारी प्लेइंग 11। इसके बाद बात करूँ हमारी जॉस बटलर, सो बटलर अगर आप फॉर्म देखो 39 84 21, और अभी तक ना इसको मौका मिला नहीं उस वर्ल्ड कप में दिखाने का कि क्या इसकी बैटिंग है, क्योंकि पहला मैच जो इनका होता है स्कॉटलैंड के साथ वहाँ पे हो गया था, वहाँ पे बारिश तो वहाँ पे रद्द हो चुका था। लेकिन मेरे को एक चीज़ वहाँ पे दिख गई थी कि इनकी ना बॉलिंग यहाँ पे थोड़ी सी वीक रही, स्कॉटलैंड जैसी टीम वहाँ पे 90 रन पे बिना विकेट को यहाँ पे पहुँच रही थी। सो इसके बाद बात करते हैं फिल सॉल्ट की, तो दोनों ही हमारे जो ओपनर्स हैं ना एकदम यहाँ पे घातक हैं, और आपको दोनों को बैक करके जाना है। अब वहाँ से थोड़ा ट्रेविस हेड का लग रहा है ना, लेकिन आपको बता दूँ फिल सॉल्ट T20 में ट्रेविस हेड से काफ़ी अच्छा है, बस वो थोड़ा मिस और हिट है, एक कंसिस्टेंट यहाँ पे नहीं रहता। लेकिन अगर आप लोगों को याद आ गया होगा
जो इंडिया के साथ जो हमारा लास्ट T20 वहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ था, तो वहाँ पर को किस तरीके से वहाँ पर हराया था इंडिया को, इंडिया से इनका एक विकेट नहीं गिरा था। बटलर और फिल सॉल्ट पूरा लास्ट तक वहाँ पे मैच लेके चले गए थे, और टारगेट इतना छोटा भी नहीं था, जैसे 70-80 रन हो वहाँ पे चेस कर जाए, 100 के ऊपर ही था वहाँ पर को। इसके बाद करते हैं विल जैक्स की, तो विल जैक्स यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं है। आपको देखो इसको एक तो ड्रॉप भी नहीं करना है और इसको CVC भी नहीं करना, तो करना क्या है आपको, इसको लेके जाना है बस एक नॉर्मल पिक। ग्राइंडिंग में कहीं पे ग्राइंडिंग में CVC आप करोगे, लेकिन स्मॉलिंग में ओनली नॉर्मल पे यहाँ पे लेके जाना, कोई ज़्यादा छेड़खानी नहीं, ना तो इसको ड्रॉप करो ना CVC। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखो कंसिस्टेंट है नहीं। अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन करते हो, ये बंदा चला गया डक पे या 5-10 रन पे, तो आपकी जो कैप्टन वाइस कैप्टन है वो यहाँ पे हो जाएगा फ्लॉप। अगर बात करो तो ड्रॉप करने की, अब प्लेयर ऐसा भी आपने देख चुका है IPL में, ठीक है, वहाँ पर कोई इसको 10 बॉल नहीं लगती यहाँ पे 50 स्कोर करने में, तो अगर वहाँ पे कुछ इसने ऐसी यहाँ पे पारी खेल दी, तो फिर वहाँ पे आपके स्मॉलिंग में खतरा हो सकता है, क्योंकि सेलेक्शन इसका काफ़ी हद तक अच्छा आपको नज़र आता है 75%। बात करते हैं जॉनी बेस्टो का, अगर आप फॉर्म देखें 28-21, 14-27, अगर एक लॉजिकल पिक देखे जाने तो बेस्टो आपके लिए काफ़ी अच्छा पिक हो सकता है, सेलेक्शन भली कम है। और अगर वहाँ से फिल सॉल्ट, ये विल जैक्स हैं जो जल्दी चले जाते हैं, लाइक अगर वहाँ से मेजर स्टार्क कुछ कर देता है ऐसा कारनामा, तो बटलर बैरिस्टो अगर आप लोगों को याद होगा काफ़ी पहले थोड़ा सा जाना वहाँ पे बैरिस्टो ओपन करा करता था बटलर के साथ में, ठीक है, तो अगर वो ऐसा कॉमिशन बनता है तो बहुत ही शानदार आपके लिए बन जाएगा। बाकी बटलर को कैप्टन, बैरिस्टो को ऐसा वाइस कैप्टन कोई एक आध टीम में बना के चले जाना। चलते आगे, हैरी ब्रुक फिलहाल इनको उसको ड्रॉप करके चलते हैं। मोइन अली के लिए देखो क्या है, अगर यहाँ पर कोई ये बॉलिंग सेकंड करा रहा है तो इसको आप बैक करके जाना है। मैं भी कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ, एक मोइन अली और यहाँ पे लियाम अगर बॉलिंग फर्स्ट करा रहा है तो उसको आपको वहाँ बैक करके जाना है, ठीक है। मोइन अली सेकंड बॉलिंग, लियाम फर्स्ट बॉलिंग, ठीक है, तो इतना सा यहाँ पे चीज़ है, क्योंकि ये जो स्पिनर है ना, ये हमारा ऑफ ब्रेक और हमारा लेग ब्रेक बॉलर, तो इनमें मैंने यहाँ पे जो स्टैट्स है, और अगर इनिंग वाइज मैं बात करूँ तो इनके जो स्टैट है ना ऐसे काफ़ी अच्छे थे। मोइन अली अगर बात करूँ, इसने 2 मैच खेले इस वेन्यू पर और 2 मैच में 5 विकेट वहाँ पर निकाले थे। अगर आप देखोगे इधर को, यहाँ पे जो उसके 5 विकेट आए हैं वो बस सेकंड इनिंग में, बाकी के जो 3 मैच थे वहाँ पर विकेट लेस गया था, तो इसका मतलब क्या, सेकंड इनिंग में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पिक रहेगा। बाकी लियाम को मैंने बता दिया, बैटिंग से तो मेरे को चांस कम ही लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको वहाँ पे नीचे बैठा रखा है। क्रिस जॉर्डन की बात करूँगा तो यहाँ पर एक एक विकेट से संतुष्टि करने वाला बंचेस वाला प्लेयर यहाँ पे आपको नजर नहीं आता, प्लस वेन्यू पे आप देखो 6 मैच 4 विकेट है, हेड टू हेड फिर एक अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन मेरे को वेन्यू और अगर इसका फॉर्म है ना वो इतना बढ़िया नहीं रहा, ड्रॉप करके जाऊंगा मैं। अब यहाँ से आगे चलेंगे, इसके बाद में हमारे पास जोफ्रा आर्चर यहाँ पे विकेट निकाल के जाएंगे, और यहाँ पे जो शुरुआती झटके हैं ना वो यहाँ पे देके जा सकते हैं, सो इसलिए ये रहेंगे हमारे पास मस्ट पिक। आदिल राशिद की बात करते हैं तो लास्ट में 0 विकेट, उससे पहले 2-1-0 फिर 4, ये एक ऐसा प्लेयर है जो बंचेस विकेट निकाल सकता है, 7 मैच 9 विकेट हैं, हेड टू हेड 11 मैच 12 विकेट। तो आदिल राशिद और एडम जंपा, इनको एक टीम में ऐसा CVC यहाँ पे बना के चले जाना, काफ़ी आपके यहाँ पे काम आने वाला है। आगे चलते हैं मार्कवुड एक मस्ट पिक रहेगा, ठीक है, और मेरे को आज एक ऐसा फील आ रहा है कि यहाँ पे ना जो मार्कवुड है मस्ट पिक, एक ऐसा फील आ रहा है कि आज एक बॉलिंग वाला मैच बन सकता है। सब लोग सोचेंगे यार उधर से बटलर को कैप्टन कर लेते, इधर से ट्रेविस हेड या वार्नर को, लेकिन मैं आपको बोलूँगा बॉलिंग सेक्शन से जाओ, कहीं पर मेजर स्टार्क, नाथन लिन्स, एडम जंपा, आदिल राशिद, मार्कवुड, जोफ्रा आर्चर, इनमें अपने CVC रोटेट करो, ये गेम आपका बना सकते हैं आज के मैच में। देखो मैं तो यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ, मेरे पास देखो एक चीज़ पता है क्या लिमिटेशन है, क्योंकि मैं खेल रहा हूँ एक लीडर बोर्ड 7-4 वाले ऐप में कुबेरा, तो वहाँ पर को 7-4 वाला चलता है, लेकिन अगर आप और जगह ग्रैंडी खेलो, अगर आपके पास 10-1 वाला एक है तो आप एकदम फ्री हो, आप कुछ भी यहाँ पे बना सकते हो। मैं तो 7-4 बना के यहाँ पे अभी तक काफ़ी अच्छी रैंक मेंटेन करी, अब देखें आगे क्या होता है। सो चलिए बात करते हैं हमारे आज के गिवे की, सो गिवे आज के आपके लिए है हाइस्ट 4 इन दिस मैच प्लेयर्स का आपको नाम बताना है, हाइस्ट 6 इन दिस मैच प्लेयर्स का आपको यहाँ पे नाम बताना है। सो दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर यहाँ पे कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और एक सिंपल सा रूल जो आप लोगों को IPL में ध्यान होगा, ये अपना जो हमारा वीडियो अपना 3 दोस्तों यहाँ पे शेयर जरूर करना है, ठीक है। अगर आपका गिव आंसर सही होता है और अगर आपने शेयर नहीं करा तो गाइस आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो कर लेना, और काफ़ी आसान सी चीज़ है, कोई इतना भारी क्वेश्चन नहीं है। सो बैटल देखते हैं, यहाँ पे बैटल अभी आपको किसका मिलता है, यहाँ पर गाइस ये बैटर थोड़ा सा गलत हो गया। बाकी बात करूँ अगर जॉनी बेस्टो का, तो यहाँ पे आपको स्टार्क आपको नजर आता है, ठीक है, तो स्टार्क ही कैसा है थोड़ा जो परेशान करके जा सकते हैं। इसके अलावा बात करूँ हैरी ब्रुक स्टोनिस के आगे, एंड मोइन अली की बात करूँ तो मैक्सवेल स्टार्क एंड जंपा एलिस आपको नजर आते हैं। सो चलते हैं यहाँ से आगे एक बार, और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा कर लेना,
बात आती टीम की, बटलर एज अ सेफ वाइस कैप्टन रहेगा, यहाँ से फिल शॉट, ट्रेविस हेड, वार्नर, स्टोनिस लास्ट मैच की परफॉर्मेंस को देखिए फिलहाल ही बैक कर रहा हूँ, मोनेली, मैक्सवेल, स्टार्क, जंपा, जोफ्रा आर्चर एंड मार्कवुड। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो गाइस, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैच।